आप लोगों ने रेडीमेड तो मोच बहुत देखा हुआ बनते हुए, लेकिन आज दिखाते हैं आप लोगों को कि लोहे का मोच कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे भाई लोहे का बड़ा सा पत्ती रहता है, उसको भाई अच्छे से कट करना पड़ता है, जिसमें लगता है काफी ज्यादा मेहनत। तो ये अपना मोच बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं कितना काफी बेहतरीन लग रहा है। एक बार अपने मोच के पास लगाइए, इसको दिखाइए एक बार देखो भाई, ये देखो मोच, ये तैयार हो गया अपने गड्डी के लिए। इधर अपने गड्डी का हो रहा है काम, देख सकते हैं इधर हो रहा है मोच तैयार। तो मोच हो चुका है तैयार, इसको अभी फिनिशिंग दिया जा रहा है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से फिनिशिंग भी देना पड़ता है, ऐसे ही नहीं बन जाता भाई। अभी लोग बात कर रहे हैं कैसे क्या फिनिशिंग देना है, तो आप लोग देखते रहिए और शेयर करते रहिए। अब इसी का जैसा इधर मेकअप कर देंगे हो जाएगा, समझा? जगह तो देख के समझ। भाई इसमें देखा जा रहा है कि कौन सा मोटा है कौन सा पतला है। तो फिर से अभी एक बार इसमें फिनिशिंग दिया जाएगा, देख सकते हैं किस तरीके से फिनिशिंग दिया जा रहा है। भाई टोटल इसमें एक घंटा से लगे हुए हैं 2-3 लोग, उसके बाद ये मोच तैयार हुआ है भाई। ये जब तैयार हो जाए, जब गाड़ी में लगेगा ना अपने गाड़ी में, तब भाई कुछ अलग लेवल का लुक इसका आने वाला है। देख रहे भाई कितना खतरनाक नोकीला मोच बना है, ये देखो। ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, अभी फिर भी मिला रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई कोई कमी वैसी तो नहीं है इसमें। मोच कैसा लगा चाचा जी के लिए एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि काफी मेहनत किए हैं। पहले भाई ने मेहनत किया, फिर कहाँ गए वो अनदेख भाई, अंदर चले गए जो इनके लड़के थे, वो मेहनत किए, लास्ट में चाचा जी फिनिशिंग देने के लिए आए इसमें। इसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे चिड़िया कैसे बनाया जाता है, चिड़िया। तो चिड़िया जब बनेगा तो भाई वो वाला वीडियो भी आप लोगों को वायरल कर देना है कि चिड़िया लोहे वाला जो चिड़िया कैसे बनाया जाता है, गाड़ी में लगने के बाद कैसा लगेगा लुक, हर एक चीज दिखाएंगे। बट ये जो हम तो बोल रहे हैं इसको मत काटिए, काटिए मत, नहीं तो ये जो खड़ा मोच है ना ये बेकार हो जाएगा, मत काटिए, काटेंगे तो हाँ अच्छा गोल हो रहा है, लेकिन मोच तो गोल नहीं होता है, मोच तो ऐसे खड़ा खड़ा रहता है। चलिए और चाचा जी के लिए लाइक करिए, क्योंकि एक घंटा में एक मोच तैयार हुआ है भाई।